गेमिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लोग BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे तो ये एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। सामान्यतः हम जो बात करते हैं अपने चैनल पर स्मॉल कैप श्रेणी के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से काम नहीं बनेगा। हमें कुछ क्वालिटी स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में रखने होंगे। इसलिए आज BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात होगी। मैं बताऊंगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होना क्यों जरूरी है और ये कंपनी आगे चलकर कितने फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले देखेंगे काम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए ये जो कंपनी है BLS ग्रुप का एक पार्ट है। BLS एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको पता नहीं तो मैं बता दूं। और इसका डाइवर्सिफाइड रेंज है बिजनेस में, मतलब तमाम तरह के बिजनेस। ज़्यादातर ये देखेंगे तो जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट के कामों को करती है। जैसे बहुत बड़ा प्लेयर है वीजा एप्लीकेशन में, जो वीजा दी जाती है विदेश जानों के लिए जाने के लिए, उसमें कंपनी बहुत बड़ा रोल निभाती है। और छोटे छोटे जो सरकार के काम होते हैं, टारगेट होते हैं, जैसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत काम करना हो गया, इन सब टारगेट को अचीव करती है, इसमें कंपनी काम करती है। देखिए गवर्नमेंट के कामों को करती है, उसमें ये इन्वॉल्व है। और जो कंपनी गवर्नमेंट के काम करती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। काम के भी टेंडर तो कंपनी को मिलता रहेगा और काम के भी पे कंपनी आगे ग्रो करती रहेगी। तो पर्सनली मुझे काम के भी पे कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भी तमाम पहलुओं को देखते हुए। अब चलिए फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड का। यहाँ पर देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 12,605 करोड़ के आसपास, यानी कि मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। और इसका जो पी है 47 के आसपास है। पी थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो शेयर प्राइस भी यहाँ पे आपको महंगा ही लगेगा। कोई बात नहीं, हम चार्ट पर देखेंगे। चार्ट पर जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल नज़र आएगा वहाँ पे उठाएंगे तो फिर वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज यदि स्टॉक महंगा भी है तो वो मेंटेन हो जाएगा। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 23 के आसपास है और इससे कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा ही है, काफ़ी बढ़िया बात है। सबसे कमाल की बात है कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROCE है यह देखेंगे 30-30% के आसपास, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कम से कम 30% रिटर्न निकाल कर देने का यह कंपनी दमखम रखती है। यहाँ पे यदि हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देखें, जैसे मैंने एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो एक साल के चार्ट पर आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि अभी हाल ही में कंपनी ने क्या शानदार रिटर्न निकाल कर दिया हुआ है। जैसे देखिए पहले ये लेवल को देखिए, ये जो 200 रुपये का लेवल है, काफ़ी दिनों से स्टॉक का जो प्राइस है इसी 200 से लेकर 160 रुपये इसी बीच में कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा था काफ़ी दिनों से। लेकिन इसी साल जुलाई में देखेंगे तो यहाँ पर जुलाई के बाद एक लंबा ब्रेकआउट होते हुए दिखा और स्टॉक का प्राइस है 300-320 तक आपको जाते हुए भी दिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अपने पहले के वीडियो में बताते आया हूँ कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में होता है, जब वो कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो सामान्यतः ब्रेकआउट ही होता है। और ब्रेकआउट इस पर हुआ, और ब्रेकआउट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इस कंपनी में जो गवर्नमेंट हमारे देश की उसकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही। हिस्सेदारी मतलब गवर्नमेंट के जो काम होते हैं ना, वो सभी कंपनियों को नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट के जो काम होते हैं कुछ खास और अच्छे कंपनी को ही मिलते हैं, तो इसलिए लोगों का भरोसा भी इस कंपनी पर बढ़ रहा है। तो उसके भी यहाँ पे प्लस कंपनी का जो फंडामेंटल है, जिसमें बताया फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है, तो उसके भी यहाँ पे भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आ रही है। और आप खुद देखिए ना, 160 रुपये से कंपनी का शेयर प्राइस सीधे 320 हो गया, यानी कि कह सकते हैं डबल हो गया। तो ये कोई आम बात नहीं, बहुत कम दिनों में कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अभी भी पोटेंशियल है इस कंपनी का शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है ये बहुत शॉर्ट टर्म में आपको 500 रुपये का टारगेट इजिली आपको दिखा सकता है, यानी कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है या आप नया भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपये तक के लिए इजिली इसमें जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि नए व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे। शेयर प्राइस 300 रुपये के लेवल के जब आसपास आएगा और आसपास आके 300 रुपये के आसपास आके फिर ऊपर जाने लगेगा, तब हम यहाँ पे प्राइस उठाएंगे। 300 के आसपास आएगा तो वहाँ पे नए व्यक्ति एंट्री लेंगे। बाकी जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है, अभी एवरेजिंग मत कीजिएगा। आप प्रॉफिट भले बुक कर सकते हैं, लेकिन पहले से इन्वेस्टमेंट है तो बेशक बने रहे जहाँ तक प्राइस और आपको ऊपर जाते हुए दिखे। तो ये चार्ट के माध्यम से लोग समझ गए कि करना क्या है। अब क्वार्टरली रिजल्ट को यदि थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो क्वार्टरली रिजल्ट से पता लग जाता है कंपनी का जो बेसिकली फंडामेंटल है वो कैसे मजबूत हो रहा है। तो सेल्स देखेंगे, सेल्स देखेंगे तो आपको पाएंगे पिछले कुछ समय से लगभग सेम ही बना हुआ है। ये कह सकते थोड़ा थोड़ा करके कंपनी जो सेल्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई है, जिसमें बताया एक वीजा प्लेयर में कंपनी मास्टर है, तो उसमें देखिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे कंपनी का ग्रो कर रहा है। यही वजह है कि जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो टैक्स उस देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो वह भी देखेंगे वह भी कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा कि कंपनी का काम तो धंधा रहे ही, कंपनी का फंडामेंटल भी कंटिन्यूअस बेसिस पर जो आप देखते हैं तो आपको बढ़ते हुए दिखता है। इसलिए मेरा मानना है कि BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड में यदि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट
होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब वैल्यू इन्वेस्टिंग में बात करते हैं तो उसमें कुछ अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स का भी होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ BLS इंटरनेशनल के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर पूछिएगा। मुझसे पर्सनली जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।